सर पिछले 6 महीनों के उनके बिजली के बिल माफ करें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके फसलों का भुगतान कराया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और आप और सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विशेषकर जनपद आजमगढ़ मेरे संसदीय क्षेत्र के भी आकर्षण करना चाहूंगी, जहां दिनांक 13 और 14 मार्च में आंधी तूफान ओलावृष्टि चक्रवात के कारण गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों की बर्बादी हो गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र में विधानसभा लालगंज, दीदारगंज, अतरौलिया, निजामबाग और आदि पूर्वांचल के सैकड़ों गांव पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो गई है। अध्यक्ष जी, किसान देश का अन्नदाता है। किसान कर्ज लेकर फसलों के बीज आदि को खरीदता है। बहुत से किसान पूर्ण रूप से खेती पर ही निर्भर होते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के शादी विवाह तक फसलों की बिक्री पर निर्भर होता है। अध्यक्ष जी, इस साल जो भी फसल विगत 20 वर्षों से काफी अच्छी थी, लेकिन श्री के रघु राम कृष्ण राजू, सर एक मिनट सर, इस प्राकृतिक आपदा के कारण सरकार से मांग करती हूं कि किसानों की फसलों का जो भी नुकसान हुआ है, सरकार केंद्रीय दल भेजकर उन फसलों के नुकसान का आकलन कराकर तत्काल फसलों का मुआवजा दे। सर पिछले 6 महीनों के उनके बिजली के बिल माफ करें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके फसलों का भुगतान कराया जाए, क्योंकि जो भी फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियां किसानों को बीमा कवर आकलन करती हैं, वो पूर्ण रूप से उनको बीमा नहीं प्रदान करती हैं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि उन किसानों की फसलों का 100% भुगतान किया जाए। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।